इसमें भैया फोकस मत करना, इतना जिसने यहाँ फोकस नहीं करते ना ऐसे, इस पर मत करो तो चलेगा। तो खैर मैंने शायद पहले सुनाया हुआ आप लोगों को, मुझे तो आधा ज्यादा वैरायटी नहीं है कि ऑन डिमांड बटन दबाया चालू, वर्डिंग ध्यान नहीं होते, खाली पीछे से वो ध्यान देता है, तो कभी गाने लगो तो शब्द ही आ गया चल रहा था बस। तो खैर ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का कॉम्बिनेशन था, शायद आपने सुना भी होगा। उन्होंने फर्स्ट अपना लाहौर कराची रेडियो के ऊपर अपने बहुत साल पहले शो परफॉर्म किया होगा, तो वो उसको बोलते पंजाबी टप्पे बेसिकली। क्या होता है कि पंजाबी इसमें अभी तो नहीं होता, अभी तो इवेंट्स वाले सब प्रोग्राम कैप्चर कर लेते हैं, तो संगीत संध्या वो कर लेते हैं, तो डीजे लगा लेते हैं। किसी टाइम पे जब लोग बहुत फ्री वेले होते थे तो एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के लिए लड़के और लड़की वाले आपस में कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, संगीत संध्या उसी को बोलते थे। उस टाइम की कंसेप्ट लेकिन बहुत मेलोडियस है, कभी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, और बहुत सिंप्लीफाइड और बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, मेलोडियस कॉम्बिनेशन। उसी की दो चार लाइनें तो मुझे आता, उसमें लड़के वाले लड़की वाले एक दूसरे की लेग पुलिंग के साथ चल रहे होते, तो लड़की वाले लड़के से पूछते भाई, तो उसका रिप्लाई भी उसी फॉर्म में आता है, बाईसाइकिल चलाए जाते हो, बाईसाइकिल चलाए जाते हो, वो तेरी कौन लगती है, वो तेरी कौन लगती जनू अगे बिठाए जाते हो। मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, अच्छा साइकिल में बड़ा अच्छा याद आया, आजकल तो कार वार हो गई तो वो फील नहीं आ रहा है। अभी आदत नहीं रहने का, एक बार मैं अपने फैमिली ट्रिप पे गया तो मैं वाइफ को साइकिल मिली रिजॉर्ट में, अच्छी साइकिल थी बड़ी सी, तो थोड़ी स्टाइलिश थी, वाइफ ने आप साइकिल क्या बिठाए नहीं तो बिठाओ, बाईसाइकिल चलाए जाना हाँ, बाईसाइकिल चलाए जाना हाँ, वो मेरी वाइफ लगे, वो मेरी वाइफ लगे, तो कुछ भी कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता, मतलब ऑप्शन नहीं होता। एक संध्या और है, अच्छा मैंने क्या है कि अभी पिछले एक साल दो साल में छोड़ दो, तो उससे पहले मैंने कभी भी दाढ़ी मुझसे रखी थी, और मैं विदाउट मुस्तैज और दाढ़ी बढ़ाता था, ये तो मैंने वैसे रख ली, क्यों नहीं सब कारण क्या है अभी अब किसी का तो मतलब है ही ना यार, रेफरेंस तो एक ही है। कॉलेज में होते हैं कुछ और होते हैं, तो कहते किसी को तो मतलब बहुत सारे तो बड़ा एक ही रेफरेंस है, उनको दिमाग है, तो उसका भी कारण सुनो, तो लड़की वाले की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा था कि इत्थे प्यार दी कुछ कोई ना, इत्थे प्यार दी कुछ कोई ना, तेरे नाल नहीं हो बोलना,
तेरे दूत ने मुझे कोई प्यार दी पुछ कोई ना, इत प्यार दी पुछ कोई ना, तेरे नाल नहीं हो बोले ना, तेरे मुंह ते मुछ कोई ना। इसे मैं मुझ नहीं मिलेगा, नहीं क्या बोला मेरे को रिप्लाई, मजा प्यार दा चख लेंगे, प्यार दा चख लेंगे, हुकम हो जो तेरा, असी दाड़ी भी मुझ के दाड़ी भी लो रहा, हुकम हो जो तेरा, असी दाड़ी भी रख लेंगे। लास्ट स्टेंज और होना, तो वैसे तो बहुत सारे स्टेंज हैं पर वो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह याद किया। अरे झूम आ रहा है सबसे मेरे मेंटर ना सी एच वर्ग का, तो वो फिल्म से जान कर रहे थे, सर गाना सुनाया बिना जान नहीं है, तो मैंने सुबह सुबह विवेका लिख के दे यार वो जान खा जाएंगे, कितनी टेंशन में मैच पढ़ाने की जरूरत थी, कितनी टेंशन बागा विच आया करो जदो असी सो जाइया तुसी मक्खियां उड़ाया करो, लड़की कहती भाई सो जाओ मक्खी उड़ा दे ना, बागा विच आया करो, जदो असी सो जाइया तुसी मक्खियां उड़ाया करो, लड़कियां रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा होगा। तुसी रोज नहाए मक्खियां को डर दे हो, गुड़ थोड़ा खाया करो। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपकी खाली ध्यान से मेरे को लगता है मैं गा सकता हूँ, कोशिश नहीं करना, चिंता मत करो, अभी आता हूँ डांस प्रैक्टिस करना, आगे डांस ना, तुम्हारी शादियों की कभी करूँगा, मुझे बुलाना तुम भी शादी। आजकल वैसे ये जो आर्ट है ये विलुप्त होता जा रहा धीरे धीरे, आगे डांस का बोर्ड बोर्ड पहन के आते हैं लोग, पूरे खराब करते हैं रोड ब्लेड लेट कर, मतलब पता नहीं कहाँ से ट्रेंड निकल गया है, नागिन डांस में लोग भी मतलब बैंड बाजे बनाते के साथ, और पूरा वो
इतना महंगा सूट सिलवाया था, लेकिन जैसे धुन चालू होती है वो लेने जाएंगे। अरे अपने ऐसे देखोगे ना तो इन्वॉल्व हो गए तो पता नहीं पड़ता शादी में उसे होते, लेकिन इसको आइसोलेट होकर देखो तो बड़ा कॉमेडी सीन है एकदम, बिल्कुल शादी इज ए कॉमेडी सीन, मतलब निकलता होता है शादी में तो कभी सिचुएशन देखना, जब निकलता है घर से बाहर तो सेंटर में होता है बेचारा घोड़े में बैठ के बिल्कुल बोलता रहे और वो सब आगे डांस करते हैं, जितने दोस्त यार हैं सबसे ज्यादा मुझे बाकी सब ले जाते हैं वो झूला सबसे ज्यादा पिट रहा होता है, तो शुरू में तो फील भी आई भी पिला रहा है मैं रस्ते में सब भी खत्म हो जाएगा, बाकी जितनी खुशियां पहले की बात में से नहीं है। तो एक पंडित के पास जाता ना एक बंदा कि पंडित जी बताओ मेरी शादी कब होगी, तुम्हारे जैसे कोई इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी लग जाती है तो शादी जल्दी होती है। परेशान मत नहीं तो फिर अभी जैसे क्लास में उधर फोन आया था कि आते हो यही सवाल लिया है लिस्ट में सब्जियां शक्कर चाय चावल, तो इसलिए आप लोग फ्री हो आराम से गए मस्ती से खाना खाया मैच पे जा पड़े पड़े जो बड़े सिर्फ जो करना है पहले कर लो, बाद में टीवी का चैनल भी चेंज नहीं कर सकते आप। हो गया धन्यवाद बहुत बहुत आपका।